महाराज एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी बोला कि मैं जस्ट घूमने आया था और ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बोरिंग है, तो उनके लिए कैसे हम बता सकते हैं कि नहीं ये जो लाइफ एक एडवेंचर है। स्पिरिचुअलिटी बोरिंग नहीं है, भौतिक जीवन है बोरिंग। भौतिक बाहर का जीवन में आदमी कितना दिन डांस कर सकते हैं? मैक्स टू अवर्स ना, कितना दिन हो जाए शादी का डांस करके। हाँ मतलब कभी 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 क्लब में, और इधर ना रोज डांस कर सकते हैं। बाहर का आदमी कितना दिन गान गा सकते हैं? ये सारा दिन गान गा सकते हैं। बाहर का आदमी खाना किया देखा है और इधर में रोजे सपन भुगत है तो बाहर में आनंद क्या है? तो बाहर का आदमी का फ्रेंड सर्कल कितना है? बहुत कम। ये तो हमारे हजार हजार फ्रेंड, सारा दुनिया फ्रेंड है। और इन रियलिटी में आप सारा दुनिया जो हर जगह इस्कॉन का भक्त है। और हमारे घूमने के लिए बाहर का आदमी घूमने का जगह कहा, और हमारे इस्कॉन का मंदिर हर जगह में, हर जगह घूमने का जगह। कितना बार साल में कितना बार ट्रिप होते हैं? तो बाहर का आदमी का आनंद क्या है? बाहर के स्टूडेंट अकेला कोई जगह में रहते हैं, हॉस्टल में कोई जगह में, और हमारे स्टूडेंट 15-20 एक साथ रहते हैं, लाके घर में है। घर में यस। तो यह बोरिंग का है? तो मतलब मैंने जब मैं कीर्तन करता हूँ हर बार तो स्टूडेंट्स मुझे देख के शॉक होते हैं, मैं ज़्यादातर डिवोटीज। तो क्या मतलब उन लोग को ये डाउट है कि हम मंदिर में भी ऐसे नाच सकते हैं कि नहीं नाच सकते, कीर्तन भगवान के सामने भी हम कूद सकते हैं कि नहीं? तो वो आप कोई लड़का आते हैं गला में जो हार पहनाएंगे, आश्चर्य, अरे हमको हार पहनने दिए, हम तो रोज ही हार पहनते हैं। बाहर का आदमी जीवन में कभी राजनीति बराबर राजनीति में साल में अगर हार मिलते हैं उनको, हमको दिन में कितना हार मिलते हैं? तो बाहर का जीवन है क्या? सही।